कि ऑर्गेज्म में फिजिकल एक्शंस के अलावा मेंटल पीस बहुत मायने रखती है। तो जब कोई फीमेल या मेल इंटीमेट होता है तो ऑर्गेज्म की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी अच्छी है, वो उस वक्त कितना रिलैक्स्ड है और कितना अंदर से खुश है। और हाँ दोस्तों, अपनी फीमेल पार्टनर का फीडबैक भी जरूर लेते रहें कि उनको क्या करने से ज्यादा अच्छा फील होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, जिंदगी एकदम मजे में चल रही होगी आपकी। तो आज फिर से मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके लिए काफी यूजफुल रहने वाली है। तो एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में ऑर्गेज्म को इंटेंसिफाई करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बिना ऑर्गेज्म के लड़का हो या लड़की, सेक्सुअल प्रेशर का महत्व ना के बराबर ही होता है। खासतौर से लड़कियों को अगर अंत में वो खास पल ना मिले तो उनको काफी अधूरा अधूरा सा महसूस होता है। इजैक्युलेशन और ऑर्गेज्म दो डिफरेंट चीजें होती हैं। इजैक्युलेशन एक फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है, जबकि ऑर्गेज्म उस फिजियोलॉजिकल एक्शन के दौरान होने वाला एक खूबसूरत एहसास होता है जिसको दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रेशर्स में जगह दी गई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महिलाओं में ऑर्गेज्म की क्वालिटी बीते दशकों में गिरी है और विभिन्न पब्लिक सर्वेज में ये बात सामने आई है कि संबंध बनाते समय महिलाएं मुश्किल से ही ऑर्गेज्म प्राप्त कर पाती हैं। हालांकि मास्टरबेशन के दौरान वो आसानी से ऑर्गेज्म अचीव कर लेती हैं, लेकिन साथ ही के साथ ऐसा होना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो चलिए जानते हैं गाइज उन तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप फीमेल ऑर्गेज्म को इंटेंसिफाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पेनिट्रेटिव सेक्स के माध्यम से सिर्फ 20% फीमेल ऑर्गेज्म अचीव कर पाती हैं। तो इसके लिए अलग अलग ट्रिक्स का और तरीकों का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। इसमें सबसे पहले आता है निपल स्टिमुलेशन। इस मेथड में आपको फीमेल निपल्स को स्टिमुलेट करना होता है और ये क्रिया आप ओरली आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न रिसर्चेज में पाया गया है कि निपल स्टिमुलेशन ऑर्गेज्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। दूसरा तरीका है क्लिटोरियल ऑर्गेज्म। क्लिटोरिस को आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल करके स्टिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप क्लिटोरिस को ओरली स्टिमुलेट कर सकते हैं या फिर हाथों से सहलाकर भी आप क्लिटोरिस को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वाइब्रेटर भी क्लिटोरिस को स्टिमुलेट करने का एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एडिशनली आप पेनिट्रेटिव सेक्स की कुछ ऐसी पोजीशंस ट्राई कर सकते हैं जिनमें आपके जेनिटल्स का कोई भी भाग क्लिटोरिस को टच करे और क्लिटोरिस पर प्रेशर अप्लाई करे। ऐसा करने से पेनिट्रेटिव सेक्स करते हुए भी क्लिटोरिस वाला ऑर्गेज्म आसानी से अचीव किया जा सकता है। तीसरा तरीका होता है जी स्पॉट स्टिमुलेशन। वजाइना में लगभग 3 इंच की गहराई पर इसकी ऊपरी दीवार पर एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है जिसको काफी सेंसिटिव माना जाता है, और माना जाता है कि अगर इस पार्ट पर प्रॉपर प्रेशर अप्लाई हो तो फीमेल को आसानी से ऑर्गेज्म मिल सकता है। जिन पुरुषों के प्राइवेट पार्ट की गर्थ मतलब मोटाई ज्यादा होती है वो जी स्पॉट को बेहतर तरीके से स्टिमुलेट कर सकते हैं। जी स्पॉट को स्टिमुलेट करने के लिए मेल ऑर्गन की लंबाई मायने नहीं रखती है बल्कि मोटाई मायने रखती है। साथ ही साथ आप वजाइना में फिंगर इंसर्ट करके स्पूनिंग मेथड का इस्तेमाल करके भी जी स्पॉट को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपने फीमेल पार्टनर को ऑर्गेज्म दे सकते हैं। चौथा और सबसे इफेक्टिव तरीका है ए स्पॉट स्टिमुलेशन। गाइज, जी स्पॉट से लगभग 3 इंच और आगे मतलब वजाइना में लगभग 6 इंच की गहराई पर एक खास भाग होता है जो बहुत ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस भाग को अगर मेल प्राइवेट पार्ट कुछ देर के लिए भी टच करता है तो फीमेल को आसानी से ऑर्गेज्म मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ए स्पॉट को टच करने के लिए मेल प्राइवेट पार्ट की लंबाई कम से कम 6 इंच होनी चाहिए, जो कि काफी कम मेल्स में देखने को मिलती है। लेकिन आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए आप सिलिकॉन एक्सटेंडर स्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलिकॉन एक्सटेंडर स्लीव पीनिस के ऊपर प्रयोग की जा सकती है और ये स्लीव इस तरह से डिजाइन की जाती है कि बाहर से ये बिल्कुल रियल पीनिस जैसा दिखाई देती है और इनका एहसास भी बिल्कुल रियल पुरुष अंग जैसा ही होता है। अब ये प्राइवेट पार्ट की लंबाई कैसे बढ़ा देती है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली इन स्लीव का आगे का 2 से 3 इंच पार्ट सॉलिड होता है और बाकी हिस्सा खोखला होता है। जब इस स्लीव को इरेक्ट ऑर्गन पर प्रयोग किया जाता है तो ऑर्गन की लंबाई 2 से 3 इंच तक बढ़ जाती है। मतलब अगर आपके प्राइवेट पार्ट की लंबाई 4 इंच है तो वो आसानी से 6 से 7 इंच हो जाती है और आप स्लीव को पहनकर आसानी से अपनी फीमेल पार्टनर के ए स्पॉट को स्टिमुलेट कर सकते हैं और उसको ऑर्गेज्म दे सकते हैं। सिलिकॉन स्लीव्स अलग अलग पीनिस साइज के लिए अलग अलग आती हैं और अगर आप सिलिकॉन स्लीव्स के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर बात करके आप इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्टोस्टेरोन बूस्टर हर्ब्स का इस्तेमाल करके तनाव के समय पीनिस में ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर सकते हैं और ऐसा करके तनाव के समय लंबाई 2 इंच तक बढ़ा सकते हैं। टोंकटली, मैकारूट, हॉर्निगॉट वीड कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो पूरी तरह से सेफ मानी जाती हैं। मैंने कुछ ऑथेंटिक ब्रांड्स के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे वो 4 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी फीमेल पार्टनर को बेहतर तरीके से ऑर्गेज्म दे सकते हैं और अगर वो ऑर्गेज्म की कमी से जूझ रही है तो उसको इन सुखद पलों का आसानी से अनुभव करा सकते हैं। लास्ट में मैं बस यही ऐड करना चाहती हूँ कि ऑर्गेज्म में फिजिकल एक्शंस के अलावा मेंटल पीस बहुत मायने रखती है। तो जब कोई फीमेल या मेल इंटीमेट होता है तो ऑर्गेज्म की क्वालिटी डिपेंड करती है कि उसकी मेंटल स्टेट कितनी अच्छी है, वो उस वक्त कितना रिलैक्स्ड है और
इतना अंदर से खुश है। और हाँ दोस्तों, अपनी फीमेल पार्टनर का फीडबैक भी जरूर लेते रहें कि उनको क्या करने से ज्यादा अच्छा फील होता है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी और कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो बस अब आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए चलती हूँ, फिर से एक नई वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।